हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लास से लेक्चर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखें क्लास टेंथ मैथ। देखिए दोस्तों, आपका अगला पेपर 21 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखिए आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप मुझको थोड़ा सा टाइम दे दो। इस थोड़े से टाइम में मैं आपका एक क्वेश्चन फिक्स करवा दूंगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin θ, 1 - sin θ / 1 + cos θ और 1 - cos θ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 - cos θ का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए हमें cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है, और हमें इतने का मान निकालना है, यानी कि हमें इतना सॉल्व करना है और हमें इतने का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है और बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चीज़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर है, cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार अपॉन लंबे। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा आधार अपॉन लंबे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आपने ना एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है दोस्तों, लाल बट्टे कक्का ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कॉट होता है, देखिए टेन होता है लाल बट्टी कक्का, यानी कि लंब अपॉन आधार, और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट होगा आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो इसीलिए हमने आधार अपॉन लंब लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति होती है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। देखिए दोस्तों, जल्दी से मैंने आपके लिए एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बना दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये वाला 90° का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ये वाला लंबा, ये आधार है, ये कड़ है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर है cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आधार है वो है 7। ठीक है, तो इसमें देखिए आधार कौन सा, ये वाला आधार है, ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें लंबा है 8। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए लंब कौन सा, ये वाला लंबा है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें ना कड़ निकालना है, कड़ कैसे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम ना पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये आपको पता ही होगी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में देखिए कड़ का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है, लंब के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना है, आधार कितना 7, 7 × 7 = 49। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस लंब, लंब कितना है 8 × 8 = 64। ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 49 और 64 को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 9 और 4 = 13, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 6 = 10, 10 और 1 = 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 113 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें केवल कड़ निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम इस तरफ लेके जाएंगे, जब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इसका रूट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो कड़ की वैल्यू निकलेगी रूट के अंदर 113। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण निकल चुका है रूट के अंदर 113। ठीक है, 113 √113। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें सवाल में क्या सिद्ध करना है। देखिए सवाल में हमें देखिए साइन दिया है और कॉस दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम देखिए साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा होता है लंब अपॉन कड़। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, साइन होता है लंब अपॉन कड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है 8। ठीक है, लंब है 8 और कड़ कितना है, कड़ तो मैंने अभी निकाला ही। ठीक है दोस्तों, कड़ है 113। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा निकल गया। अब देखिए हमें कॉस थीटा निकालना है। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे कॉस थीटा भी निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है, आधार है 7, ठीक है। तो हम आधार लिख देंगे 7, सिंपल है। और कर्ण कितना है, कर्ण तो है 113, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 113 लिख देंगे रूट के अंदर 113, ठीक है। अब देखिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, साइन और कॉस की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हम इसमें इसी तरीके से वैल्यू लगा दें, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसमें वैल्यू लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में है 1 + sin θ और 1 - sin θ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। और a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रहेगा 1 ही, ठीक है। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस के अब देखिए sin², ठीक है। तो sin² θ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, sin² θ। इसी तरीके से हम नीचे कर देंगे, देख और देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है 1 + cos θ और यहाँ पर है 1 - cos θ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 - cos²θ, ठीक है, cos²θ। और यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है a² - b² बराबर कितना होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए अब हम इसमें अगर वैल्यू को रखेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अब सीधी सिंपल हमें इसमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 1 है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के sin²θ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√113, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, 8/√113, और देखिए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो हम इसमें पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए नीचे हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए 1 है, ठीक है, 1 और माइनस। अब देखिए cos²θ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√ के अंदर 113, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 है 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, ठीक है, अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, 8 × 8 = 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। देखिए दोस्तों √113 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल रूट हट जाएगा, यहाँ पर नीचे बचेगा 113, ठीक है, 113। अब इसी प्रकार से हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, 1। अब देखिए दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √113 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल रूट हट जाएगा, 113 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 113 बचेगा। देखिए दोस्तों अब हम ना ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे सॉल्व करेंगे, बस आंसर हमारा आने ही वाला है, बस थोड़ी ही दूर और बचा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, चलिए ऊपर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे हम 1 मान लें, ठीक है, 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 113, ठीक है दोस्तों, 113 एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 113 में, 113, ठीक है, 113 और माइनस के 64, ठीक है, माइनस के 64। इसी प्रकार से हम नीचे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे भी 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 113, और देखिए 113 यहाँ पर आ जाएगा, 113 और माइनस के 49, ठीक है। यहाँ पर देखिए 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर देखिए जब हम 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49, ठीक है, यहाँ पर हम 49 लिख देंगे। और देखिए जब हम 113 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 64, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 64। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनल आंसर आया 49/64, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 49/64, ठीक है दोस्तों। ये किसका आंसर है, ये देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया, हमने देखिए इसका मान निकाला है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 49/64, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें और बोर्ड एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।